नमस्कार। प्रस्तुत है क्लास 8 बोर्ड एग्जाम 2019 के गणित के हल प्रश्न पत्र का यह पार्ट 2 वीडियो। पार्ट 1 वीडियो में हमने प्रश्न संख्या 1 से लेकर प्रश्न संख्या 10 तक के प्रश्नों को हल किया था। अब पार्ट 2 वीडियो में मैं प्रश्न संख्या 11 से लेकर प्रश्न संख्या 20 तक के प्रश्नों को हल करने जा रहा हूं। प्रश्न संख्या 11 है, इनमें बेलन का आयतन कौन सा होगा? यदि ऊंचाई h है और त्रिज्या r है, तो बेलन के आयतन का यहां फॉर्मूला पूछा जा रहा है। तो ये है ऑप्शन नंबर 3, पाई आर स्क्वायर एच। प्रश्न संख्या 12, 2 माइनस ए एक्स प्लस 3 और 3x का योगफल होगा। तो आइए इसे जोड़ते हैं, इसका योग चाहिए तो इसे जोड़ते हैं। 2 माइनस ए प्लस इसे ब्रैकेट में रखते हैं अभी, एक्स प्लस 3 प्लस 3x। यहां ध्यान दीजिए, जब तक हम जब भी हम लोग योगफल निकालते हैं बीजीय व्यंजकों का या अंतर निकालते हैं, तो हमेशा पहले हम लोग ब्रैकेट में ही लिखते हैं, जैसे लिखा रहता है वैसे नहीं करते हैं। क्यों करते हैं? ये जब उदाहरण हम लोग लेंगे, ये तो यहाँ पर वैसा नहीं है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि यहाँ पर माइनस हो जाता है, तो वैसी स्थिति में ब्रैकेट के अंदर का चिन्ह बदलता है, तो यहां पर एक कंफ्यूजन हो जाता है अगर हम ब्रैकेट नहीं देंगे तो। इसलिए हमेशा पहली बार जब आप लिख रहे हैं जोड़, तो ये ब्रैकेट के अंदर ही लिखेंगे। इसके बाद सेकंड स्टेप में हम ब्रैकेट को रिमूव करेंगे। तो 2 माइनस ए प्लस, अब ब्रैकेट को रिमूव कर रहे हैं, एक्स प्लस 3 प्लस 3x। अब क्या करेंगे, जो लाइक टर्म्स है यानी समान पद है उसको एक जगह रखते हैं तो हमें सुविधा होगी। तो यहाँ कौन कौन से हैं लाइक टर्म्स, एक तो ये है एक ये है ना। तो पहले तो इसको हम लिखते हैं, एक्स प्लस 3x, उसके बाद एक ये है माइनस है, ये अकेला ही है, चलिए इसको लिखते हैं माइनस ए। अब ये लाइक टर्म्स है 2 और 3, तो इसको लिखते हैं प्लस 2 प्लस 3। तो यहां x प्लस 3x ये हो गया 4x, माइनस a ये अकेला है और ये 2 और 3 प्लस 5। तो देख रहे हैं कि ये वाला यहां पर कहीं नहीं है, लेकिन इसको हम सेट करते हैं, इसको किसी को भी आगे और पीछे हम लिख सकते हैं। तो यहां 5, इसको हम 5 पहले लिख लिए, माइनस a प्लस 4x, देखिए ऑप्शन नंबर 4 यही है। मंदी के प्रश्न संख्या 13 है, मंदी के कारण 500 रुपए में मिलने वाली शर्ट के दाम में 30% की कमी हो गई, अब शर्ट का दाम कितना होगा? तो ये तो प्रतिशत से ही प्रश्न लग रहा है। तो सबसे पहले जो कमी हुई, वास्तविक कमी, यहां तो प्रतिशत में दिया गया है, तो वास्तविक कमी हम पहले निकालेंगे, है ना, शर्ट के दाम में कमी, जो वास्तविक कमी हुई है शर्ट के दाम में कमी, ये कितना है? 500 रुपये का 30%, ये कमी हो गया। तो ये कितना है निकाल रहे हैं, 500, ये का अर्थ हो जाता है गुना, इसको ऐसे निकालते हैं, 500 गुना 30% यानी 30/100। तो ये शून्य और ये शून्य, ये शून्य और ये शून्य कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 150 रुपया। तो देखिए 500 दाम था और 150 रुपया इसमें कमी हो गया, तो शर्ट का दाम है ना? अब जो होगा शर्ट का दाम, शर्ट का
दाम पहले था 500, अब इसमें 150 की कमी हो गई तो ये कितना हो गया 350 रुपये। ये ऑप्शन कौन सा है? चौथा नंबर ऑप्शन है, ये चौथा नंबर ऑप्शन। प्रश्न संख्या 14। 6 मीटर लंबा, 3 मीटर चौड़ा तथा 2 मीटर ऊंचे घनाभ का आयतन होगा। तो घनाभ का आयतन, इसका फॉर्मूला होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो लंबाई है 6 मीटर, चौड़ाई है 3 मीटर और ऊंचाई है 2 मीटर। तो 6 × 18 × 36 मीटर क्यूब। देखिए हमेशा आयतन क्यूब में ही होता है ना? तो देखिए यहाँ कंफ्यूजन पैदा करने के लिए यहाँ एम स्क्वायर है, यहाँ एम क्यूब है। तो हमारा ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2। प्रश्न संख्या 15। मूल बिंदु का निर्देशांक होगा, तो मूल बिंदु कौन सा होता है? देखिए ये है वाई एक्सिस, वाई अक्ष, और ये है एक्स अक्ष। तो ये जो कटान बिंदु है इसी को मूल बिंदु कहते हैं। तो यहां पर एक्स एक्सिस का जो निर्देशांक है वो भी शून्य होगा और वाई का भी शून्य होगा, और इसे लिखते हैं हम लोग ब्रैकेट के अंदर। तो ये एक नंबर जो ऑप्शन है वही है मूल बिंदु का निर्देशांक। प्रश्न संख्या 16। 2 का घात 0 + 3 का घात 0 को सरल करने पर प्राप्त होगा। तो हम लोग जानते हैं कि किसी भी संख्या का घात अगर 0 हो तो उसका मान होता है 1। तो यहां 2 का घात 0 का मान होगा 1 जोड़, और 3 के 0 घात का भी मान होगा 1। तो ये हो जाएगा 2, ऑप्शन नंबर 4। प्रश्न संख्या 17। x² - 1 में से 1 - x² घटाने पर प्राप्त होगा। तो आइए घटा के देखते हैं। x² - 1, मैंने पहले भी कहा था कि ब्रैकेट में रखेंगे, -1 - x² इस बार ब्रैकेट हटाएंगे, x² - 1 माइनस। अब देखिए ब्रैकेट से पहले माइनस था, तो जब ब्रैकेट हटाएंगे तो इसके अंदर का जो भी साइन है वो चेंज हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 + x². अब जोड़ और घटाओ में मैंने पहले ही बताया था कि आसानी तब होगी कि जब आप लाइक टर्म्स यानी समान पद को एक जगह रखेंगे। बगैर एक जगह रखे भी हो सकता है, लेकिन सुविधा के लिए हम एक जगह रखेंगे। तो x² + x² ये लाइक टर्म्स एक जगह है, फिर ये दो लाइक टर्म्स भी एक जगह कर दिए हम लोग। तो अब ये देखिए दोनों जुटेगा, x² + 2x² ये कितना हो गया 2x², और यहां हो गया -1 और -1 - 2। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 2 है। प्रश्न संख्या 18। -3m को -m² + 2m से गुना करने पर प्राप्त होगा। तो चलिए हम लोग गुना करते हैं, -3m × -m² + 2m। तो सबसे पहले हम इसका इसका गुना इसके साथ करेंगे, इसके साथ। तो ये माइनस और माइनस प्लस हो गया,
और थ्री, और यहां पर क्या है, वन है, तो ये थ्री हो गया, और एम इंटू एम स्क्वायर, एम क्यूब प्लस, अब यहां पर तीन माइनस और प्लस, यहां पर सॉरी, ये माइनस और प्लस, ये हो गया माइनस, और तीन दूना छ एम एन, तो ये कौन सा ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन नंबर टू। प्रश्न संख्या 19, एक दर्जन केले का मूल्य 30 रुपया है, तो 360 रुपये में कितने दर्जन केले मिलेंगे? ये सीधा अनुपात का प्रश्न है, क्योंकि केले का मूल्य जितना ज्यादा होगा और केलों की संख्या उतनी ज्यादा होगी, लेकिन यहां पर हम एक सिंपल तरीके से भी निकाल सकते हैं कितने दर्जन केले चाहिए। तो बस सीधा आप क्या करें, 360/30 कर दे, एक दर्जन का मूल्य है, तो ये 0 और 3 से 12 तिहाई, 36, 12 दर्जन मिलेंगे, ये ऑप्शन नंबर 3 है। प्रश्न संख्या 20, इनमें से कौन सा इस समूह का नहीं है? तो सबसे पहले तो यहां पर देखिए क्या है, घन, घनाभ, आयतन, लेकिन इंग्लिश में दिया है रेक्टेंगल, तो ये हिंदी का शब्द ही गलत है, ये न को तो हम हटा देंगे, आयत, रेक्टेंगल का हिंदी होता है आयत, और उसके बाद है शंकु। तो देखिए ये घन, ये 3D है, घनाभ भी 3D है, ये आयत 2D है, और ये 3D है, तो इसमें से अलग कौन सा है, ऑड कौन सा है, ये है ऑप्शन नंबर 3। तो ये थे क्लास 8 बोर्ड एग्जाम 2019 का पार्ट 2 वीडियो, और इस वीडियो में हमने हल किया प्रश्न संख्या 11 से प्रश्न संख्या 20 तक के, तो 20 तक के प्रश्नों को, और ये भी बता दूं कि 2020 तक सभी विषयों में सिर्फ 20-20 प्रश्न ही होते थे। धन्यवाद।